और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7 हो रहा है। सुबह सुबह सिटी में आया था कोविड टेस्ट कराने के लिए, और जो कोविड सेंटर था पीछे वो भी बंद है। मैप में ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है दूसरा कोविड सेंटर। और बहुत देर घूमते घूमते एक मिला टेस्ट सेंटर पीछे है, लेकिन वो बंद है। और एक्चुअली जो आज का प्लानिंग है वो शाम को मैं निकल जाऊँगा ट्रेन से एक दूसरा सिटी में, तो उसके लिए कोविड टेस्ट चाहिए। कोविड टेस्ट ट्रेन के लिए नहीं चाहिए, ट्रेन में तो मास्क पहनने से भी हो जाता है। कोविड टेस्ट का मेन पर्पज़ है कि मैं जो सिटी में रुकूँगा वहाँ पर हॉस्टल बुक किया है, होटल नहीं हॉस्टल। तो हॉस्टल में अलग अलग जगह से लोग आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इसलिए जो कोविड टेस्ट है वो मैंडेटरी है। और हॉस्टल मुझे जो मिला वो 30 यूरो का मिला, 30 यूरो यानी 2400 रुपये का। लेकिन होटल जो मैं देख रहा था ना वो अराउंड 300 यूरो के आसपास है। ढूंढते ढूंढते जो कोरोना टेस्ट सेंटर है ना यहाँ पे मिला है, तो अभी 20 मिनट पे आ जाना चाहिए रिपोर्ट। और ये जो सेंटर है ना ये एकदम जंगल के बीचों बीच है, जैसे रैपिड टेस्ट है ना वैसे रैपिड रजिस्ट्रेशन भी है। तो जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो उतना लेंदी नहीं है। मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नाम और जो मैं रहता हूँ जहाँ पे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक QR कोड आता है, QR कोड को वो लोग स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद फिर आपका जो टेस्टिंग है ना वो लोग कर देते हैं। उसके बाद मेल में रिपोर्ट भेज देते हैं। अगर मैं घर पर रजिस्ट्रेशन करके जाता तो उससे भी कम टाइम में हो जाता। मैं घर पे जाऊंगा और जो ईमेल आईडी मैंने वहाँ पे मेंशन किया ना उस पर रिपोर्ट आ जाएगा। तो पैकिंग हो गया, ये जो आपको दिख रहा है बैग, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का कपड़ा, क्योंकि 2 नाइट स्टे करूँगा बाहर, सैटरडे आफ्टरनून को वापस आ जाऊँगा। फाइनली 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं म्यूनस्टर, और पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूं अपने, और यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्टल है, तो पैदल भी जाया जा सकता है, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं वहां तक। रूम नंबर है वो 214 है। उन्होंने साथ में एक लॉक दिया है, क्योंकि बोला है कि बेड जो है ना उसके नीचे एक लॉकर है, तो उसमें अपना सामान जो है वो रख के फिर इसको रख दूँ। तो अच्छा हुआ मैं लेके नहीं आया था घर से कम मिल गया। 14 इस तरफ है, 214। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बेड है। सही है, देखते हैं और कोई आता है कि नहीं आता है। मेरा जो बेड नंबर है वो 4 है, तो ये है 4, ये है अपना बेड। थोड़ा सा अपना सामान वामान रख देता हूँ, फिर जो म्यूनिसिपल सिटी का टूर है ना उसके लिए निकलूँगा। मैंने रिसेप्शन से उठा लिया, यहाँ पे जो है ना छोटा सा मैप है। सही है, ये पीछे शायद लाइट है। एक मिनट, लाइट कैसे चलता है? आइए रहा।
और मोबाइल फिर स्पेक्स वगैरह टांगने के लिए ये। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सो ही जाऊँ, लेकिन सोने से तो नहीं होगा, मैं घूमने आई हूँ, तो बाहर निकल के चलते हैं। कितना खूबसूरत जगह है ये। जो जगह है ये म्यूनस्टर स्टेशन के पास में ही है, और मैप में चेक किया था तो एक लेक है एब्सी करके, तो वहाँ पे जा रहा हूँ अभी। पास में ही है, 10-15 मिनट लगेगा अगर पैदल गया तो। और ये रहा म्यूस्टर का फेमस लेक, काफी लोग हैं, और ये एक तरह का काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। और यहाँ पे एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आए फिर ग्रुप में बैठ के अपना बियर पिए। और ये स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा कुछ नाव है जो सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ही पास में एक ऑफिस है जहाँ से आप रेंट पे ले सकते हो नाव। और ये रहा कितने सारे नाव रखे हुए हैं, आप एक फी पेमेंट करके आप नाव ले सकते हो रेंट पे। और ये है म्यूस्टर सिटी का प्रिंसिपल मार्केट जो कि बीचों बीच है सिटी के, और काफ़ी सारे शॉप्स है यहाँ पे। प्लस वो आगे आपको दिख रहा होगा ये म्यूस्टर का रात हाउस है, और यहाँ पे पीस ऑफ वेस्टफालिया का नेगोशिएशन हुआ था। यहाँ पे 30 ईयर्स वॉर और 80 ईयर्स वॉर, 30 ईयर्स वॉर जो कि वेस्टर्न यूरोप का वॉर था, और 80 ईयर्स वॉर जो कि स्पेन और 7 स्टेट ऑफ नीदरलैंड्स के बीच में हुआ था, तो उसका नेगोशिएशन इसी में हुआ था। और ये अभी की बात नहीं है, 1648 में हुआ था। जो सिटी हॉल है उसका स्ट्रेट जो रोड है उससे आते हुए मुझे मिलेगा सेंट पाउलोस कैथीड्रल। और काफ़ी अच्छा टाइम पे यहाँ पे आ गया क्योंकि अभी यहाँ पे बेल बज रहे हैं। और ये साथ में ही बेसमेंट पार्किंग में जाने के लिए सीढ़ी, ये था रात हाउस, सिटी हॉल भी बोलते हैं इसको। जब मैं अपना हॉस्टल एंटर किया था तो उसके पास में एक नेपाली रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे ट्राई करने का मन है। ऐसे पहले मैंने नेपाली फूड खाया नहीं है, लेकिन कम से कम पता तो चल जाएगा कि जेन्युइन नेपाली है या जर्मन स्टाइल में बना के रखा हुआ है। तो ये रहा मेरो बुदा नेपाली रेस्टोरेंट, उसके बगल में ही ये रहा मेरा हॉस्टल। चलिए अंदर चलते हैं। हाय, हेलो, या थैंक यू। किंगफिशर बियर, तेरा मैंगो लस्सी ट्राई करता हूँ। बुरा नहीं है एक्चुअली, उतना मीठा नहीं है, नमकीन है, तो देखने में तो टेस्टी लग रहा है। ये चिकन उसमें थोड़ा सा राइस, चलिए ट्राई करते हैं। मेरा तो सभी रिलेशन, सभी रिलेटिव हुई है। अच्छा, शिलोंग में अभी भी मेरे सही है दीदी, मेरी अपनी दीदी, वो लोग अभी सिलगुड़ी शिफ्ट हो गए। अच्छा, शिलोंग से चल रही है, मेरे पेरेंट्स सब वापस आ गए। ओके, सही है सही है। नहीं एक्चुअली मैं यहाँ पे घुसा क्योंकि स्पाइसी खाने का मन था,
तो बाहर तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे जर्मन तो मीठा मीठा ही होता है, तो यहाँ पे देगा तो चलो ऊपर घुस के देखते हैं। गुवाहाटी घूम माटी चांदमारी पता है, चांदमारी चांदमारी के पास ही क्योंकि हमारे गुवाहाटी वो तो अपना कॉलेज लाइफ में तो शिलोंग शिलोंग ही होते रहते हैं ना। कौन सा कॉलेज भी रहता है? गुवाहाटी कॉमर्स, अपना चांदमारी में है ना वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज। अरे थैंक यू वेरी मच, मैं कांटेक्ट करूंगा आज के लिए। मैं लिंक दे देता हूँ कहीं पे, इसमें ये नंबर में आप एक बार मिस कर देना। ये वाला ना जी 0176। आपको मैसेज कर दिया, कांटेक्ट में रहेगा, मैं कल जा रहा हूँ सुबह। अरे थैंक यू। हाय, can I ask you something? Sure. Where are you from? Pakistan. Pakistan? Yeah. India? हाँ, हिंदी आती है ना? अरे क्या बात है। मेरा नाम जो है वो लास्ट से मनोज में फर्स्ट से डिफरेंट था, तो मुझे नहीं लगा मैं थोड़ा कंफ्यूज था। कैसे यहाँ पे विजिट के लिए आया क्या? नहीं, मैं अभी चार दिन का छुट्टी है ना, मतलब छुट्टी नहीं है, फ्राइडे को ले लिया मैंने ब्रेक, तो चार दिन का, अभी कल मॉर्निंग को निकल जाऊँगा हैमबर्ग। बियर यार तुम यहाँ आए थे तो अभी वो है बियर फेस्ट, वहाँ चले आते थे। कहाँ पे? मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी होटल का जो रिसेप्शन में बंदा है वो है पाकिस्तान से, और जहाँ पे मैं खाना खाने गया वो बंदा जो था, मैं मुझसे बात कर रहा था, वो नेपाल का है, एक्चुअली वो शिलोंग का है, तो मुझसे आराम से बात हुआ, मतलब ऐसा लगा कि बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिनिस्टर का अच्छा ही था, और अभी बहुत थक गया हूँ क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करके आया, फिर यहाँ पे इधर उधर चल के जो भी जगह से वो देखा, तो अभी के लिए मैं सो जाता हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।